देखिए फ्रेंड्स, पावर बटन को प्रेस करते हैं। देख पा रहे हैं सीपीयू जो है ऑन हो गया है और इसका डिस्प्ले मैं आपको दिखा रहा हूं। देख पा रहे हैं डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है। चेक सिग्नल केबल आ रहा है, मतलब सीपीयू जो है डिस्प्ले आउट नहीं कर रहा है। तो इसका रैम को निकाल के एक बार हम क्लीन कर लेते हैं। ये रैम है, इसको निकाल लेते हैं। आपके में होगा तो उसको भी रैम को निकाल लेना है। और इसका ये जो पिन है, देख पा रहे हैं रैम का ये पिन को अपने को जो है इरेजर से बढ़िया क्लीन कर लेना है। ये इरेजर है, कपड़ा से नहीं करना है फ्रेंड्स। कपड़ा से करने से ये ख़राब हो सकता है, इसका पिन वगैरह या कुछ छोटा छोटा यहाँ जो ये कंपोनेंट्स वगैरह लगा हुआ है, या इसका ये जो पिन है वो कपड़ा में फंस कर डैमेज हो सकता है। इसलिए कपड़ा से नहीं करना है, इरेजर से करना है। ये इरेजर दिख रहा है फ्रेंड्स, इससे करना है। दोनों तरफ करना है पलट के बढ़िया से। अब एक बार इसको हम बोर्ड में लगा के देखते हैं। नाइन्टी परसेंट फ्रेंड्स प्रॉब्लम में रैम क्लीन करके डालने से बढ़िया हो जाता है। अब एक बार चालू करते हैं। डिस्प्ले में फ्रेंड्स अभी भी कुछ भी नहीं आ रहा है शायद। अब अपने पास फ्रेंड्स अगर दूसरा रैम होगा तो एक बार रैम चेंज करके आप देख सकते हैं, या फिर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स इसका जो मदरबोर्ड है, इसके मदरबोर्ड में फ्रेंड्स ये जो कैपेसिटर्स वगैरह लगे हुए हैं ये देख पा रहे हैं, ये डैमेज है, फुल गया है। ये भी फुल गया है। ये वाला ठीक है, देख पा रहे हैं कैसा दिख रहा है। ये भी ठीक है, देख पा रहे हैं, पर ये देखिए फुल गया है। ये भी फुल गया है, सूज गया है, ये भी सूज गया है। तो इसके वजह से दिक्कत आ रहा है। यहाँ भी एक देख पा रहे हैं। तो ये सारे कैपेसिटर्स को हमको चेंज करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा मदरबोर्ड को हमने बाहर निकाल दिया हुआ है और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ का जो कैपेसिटर्स वगैरह दिख रहे हैं ये देख पा रहे हैं, ये सूजन दिख रहा है, सूजा हुआ दिख रहा है। ये भी देखिए, ये भी देखिए फुला हुआ। और जो अच्छा है फ्रेंड्स वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये देखिए इस प्रकार से। तो इसको हमको चेंज करना है 1 2 3। और एक ये दिख रहा है, और इसी प्रकार से और कहीं भी अगर आपके बोर्ड में अगर वैसा कैपेसिटर फुला हुआ दिख रहा है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं और आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए और आपका प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स ये जो नंबर है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सिक्स पॉइंट थ्री वोल्ट और 1000 माइक्रोफेराइट। ठीक है फ्रेंड, 6.3 वोल्ट और 1000 माइक्रोफेराइट, मतलब 1000 माइक्रोफेराइट। तो अपने पास ये है 6.3 वोल्ट और 2200 माइक्रोफेराइट का है यूएफ का, तो इसको हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत वोल्ट ऊपर नीचे होगा तो आप लगा सकते हैं। यह पुराना दूसरा कोई से भी ख़राब मदरबोर्ड होगा वहाँ भी आपको यह कैपेसिटर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको लगा सकते हैं। बस माइनस प्लस का ध्यान रखना है। ये जो वाइट वाला पोर्शन देख पा रहे हैं, यहाँ जो वाइट बना हुआ है और कैपेसिटर का ये जो पट्टी बना हुआ है देख पा रहे हैं, तो ये जो पट्टी है और ये बोर्ड में वाइट का निशान है तो ये जो है माइनस का होता है। इसमें भी देख पा रहे हैं ये पट्टी है तो ये माइनस है और दूसरा पिन जो इधर पट्टी नहीं है वो प्लस है। तो जैसा निकल लेंगे वैसा ही हमको लगाना है। तो आइए इसको लगा देते हैं।
ये निकल गया फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। और ये लाइन को भी निकालना है। लास्ट ए भी निकल गया। तो अब हमको यहाँ लगाना है दूसरा, जो कि हमारे पास है अवेलेबल। बस ऐसे पकड़े रहना है और पीछे से थोड़ा सा इसको गरम करते चलना है। अब जो एक्स्ट्रा निकला है फ्रेंड्स, उसको कटिंग कर लेते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स। अब इसको हम एक बार कैबिनेट में फिट करते हैं और इसको चेक करते हैं। अब फ्रेंड्स, इसका जो जो केबल हमने निकाला था, सारे कनेक्शन को वापस लगा देते हैं। तो ये फिट हो गए फ्रेंड्स। अब इसको एक बार हम चालू करते हैं। चालू हो गया है। वाओ, डिस्प्ले भी आ गया फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। विंडो चालू हो रहा है, थोड़ा झिलमिला रहा है फ्रेंड्स। और ये जो है, ये VGA केबल का है, अच्छा वाला लगाएंगे तो बढ़िया दिखेगा। विंडो चालू हो रहा है हमारा, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मदरबोर्ड में भी अगर इस प्रकार से डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो रैम वगैरह क्लीन करके आप देख सकते हैं। उस कंडीशन में फ्रेंड्स 90% चालू हो जाता है। और फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो मदरबोर्ड को देखना है, मदरबोर्ड से कैपेसिटर वगैरह फुला होगा तो उसको चेंज कर देना है, सही हो जाएगा। जैसे कि आज हमारे वाला जो CPU है वो सही हो गया है। वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो लाइक, शेयर और कमेंट्स, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे नया कुछ जानकारी के साथ, नया कुछ अल्टीमेट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।